बदतमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और आप संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। यूपी का सबसे बड़ा सियासी परिवार यादव परिवार। इस परिवार की सियासत ऐसी कि जरा हलचल हुई नहीं कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोर पकड़ लेती हैं। एक बार फिर वही मौका देखने को मिला जब त्योहार के दिन अपर्णा यादव के घर पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव चाचा शिवपाल सिंह यादव अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए। चाचा शिवपाल और चाची के घर पहुंचने पर अपर्णा यादव के चेहरे पर अलग ही मुस्कान देखने को मिली। बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद परिवार में शिवपाल सिंह यादव बड़े की भूमिका में अब दिखाई देते हैं। और जब एक समय मुलायम सिंह यादव राजनीति में सक्रिय हुआ करते थे, तब अखिलेश यादव की परवरिश से लेकर परिवार की जिम्मेदारियों का ख्याल शिवपाल सिंह यादव रखते थे और चाची बच्चों का ध्यान रखती थीं। फिलहाल राजनीतिक रूप से अपर्णा यादव सपा से अलग होकर भाजपा में शामिल हो चुकी हैं और भाजपा की लाइन पर राजनीति में सक्रिय भी दिखाई देती हैं। लेकिन सियासी गलियारों में इन तस्वीरों की अपनी अलग महत्ता है। ये तस्वीरें करवा चौथ वाले त्योहार के दिन की बताई जा रही हैं। इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए अपर्णा यादव ने खुद लिखा कि बड़ों का आशीर्वाद। तो क्या ये आशीर्वाद राजनीति में भी अपर्णा को चाचा शिवपाल सिंह यादव से मिलेगा? बता दें, इन तस्वीरों के साथ अपर्णा यादव ने परिवार की अन्य तस्वीरों को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज स्वामी कैलाशानंद जी गृह आवास पे पधारे, पूज्य गुरुजी से मिलने उत्तर प्रदेश के कर्मठ मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य, उनके पति प्रदीप मौर्य भी उपस्थित रहे। साथ ही करवा चौथ पर्व पे मिलने वाले परिवार के सभी लोगों ने गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। बाकी आपका इन तस्वीरों को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।